नमस्कार दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के बाद बदल गया आईपीएल 2024 का पूरा पॉइंट टेबल। इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स को हुआ पॉइंट टेबल में काफी बड़ा फायदा, तो क्या है पूरा पॉइंट टेबल बताएंगे दोस्तों आप सबको इस वीडियो में। लेकिन अगर आप सब भी केएल राहुल को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आईपीएल 2024 का सुपर हिट मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। तो वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत बेहद ही खराब रहा, और महज 28 रनों के भीतर ही अपना पहला विकेट क्विंटन डीकॉक के रूप में गंवा दिया। तो वहीं दूसरा विकेट भी बहुत ही जल्द देवदत्त पड्डीकल के रूप में सिर्फ 41 रनों पर ही गिर गया। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स का कोई भी बल्लेबाज टिककर खेल ना सका और अपने विकेट लगातार गंवाते चले गए, और एक समय ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की टीम 150 रनों का भी आंकड़ा नहीं छू पाएगी। लेकिन उसके बाद आए आयुष बडोनी और कप्तान केएल राहुल ने, दोनों ने मिल करके ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए अपने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिसमें आयुष बडोनी ने 55 रनों की धमाकेदार पारी खेली सिर्फ 35 गेंदों पर। तो वहीं उन्होंने अपनी 55 रनों की पारी में 5 चौके लगाए, तो वहीं एक गगनचुंबी छक्के लगाए, और आयुष बडोनी का साथ देते हुए कप्तान केएल राहुल ने 39 रनों की पारी खेली सिर्फ 22 गेंदों में। और इस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 167 रन ही बना सकी। तो वहीं दिल्ली की तरफ से कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए, तो वहीं खलील अहमद ने 2 विकेट चटकाए, और 168 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत भी बहुत ही खराब रही। और ओपनिंग करने आए पृथ्वी शो के साथ डेविड वार्नर की जोड़ी ने कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, और सिर्फ 24 रनों के भीतर ही अपना पहला विकेट डेविड वार्नर के रूप में गंवा दिया, और डेविड वार्नर ने सिर्फ 8 रन बनाए। इसके तुरंत बाद पृथ्वी शो भी अपना विकेट गंवा करके पवेलियन लौट गए। उसके बाद आए फ्रेजर मैकगर्ग और ऋषभ पंत ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को शानदार जीत दिलवा दिया, जिसमें अपना आईपीएल 2024 का पहला मैच खेल रहे फ्रेजर ने शानदार धमाकेदार पारी खेली, और उन्होंने 55 रन बनाए सिर्फ 35 गेंदों में, और उन्होंने अपनी 55 रनों की पारी में 2 चौके लगाए, तो वहीं 5 गगनचुंबी छक्के लगाए, और कप्तान ऋषभ पंत ने भी 41 रनों की धमाकेदार पारी खेली और 18.1 ओवरों में 170 रन बनाकर इस मुकाबले को 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। और इस जीत के साथ ही आईपीएल 2024 का पूरा पॉइंट टेबल में बहुत खलबली मच गई है और बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। आईपीएल 2024 में राजस्थान की टीम ने अब तक टोटल 5 मुकाबले खेले हैं और 4 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो वहीं एक मुकाबले में हार हुई है, और आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में इनके टोटल 8 अंक है और ये पहले स्थान पर है। तो वहीं आईपीएल 2024 में केकेआर की टीम ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो वहीं एक मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, और पॉइंट टेबल में इनके 6 अंक है और ये दूसरे स्थान पर है। तो वहीं सीएसके की टीम ने अब तक आईपीएल 2024 में 5 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले जीते हैं, तो वहीं 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, और इनके पॉइंट टेबल में कुल 6 अंक है और ये तीसरे स्थान पर है। तो वहीं आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में जीत हासिल किया है, तो वहीं 2 मुकाबलों में हार हुई है और इनके पॉइंट टेबल में टोटल 6 अंक है और ये चौथे स्थान पर है। तो वहीं आईपीएल 2024 में एसआरएच की टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं
और 3 मुकाबलों में जीत हासिल किया है तो वहीं 2 मुकाबले हारे हैं और इनके पॉइंट टेबल में कुल 6 अंक है और यह 5वें स्थान पर है। तो वहीं आईपीएल 2024 में जीटी की टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबलों में जीता है तो वहीं 3 मुकाबलों में हार हुई है और इनके पॉइंट टेबल में कुल 6 अंक है और यह छठे स्थान पर है। तो वहीं आईपीएल 2024 में एमआई की टीम ने अब तक टोटल 5 मैच खेले हैं तो वहीं 3 मुकाबलों में हार हुई है तो वहीं 2 मुकाबले जीते हैं और इनके पॉइंट टेबल में टोटल 4 अंक है और यह 7वें स्थान पर है। तो वहीं आईपीएल 2024 में पंजाब की टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं और 2 मुकाबले जीते हैं तो वहीं 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और इनके पॉइंट टेबल में कुल 4 अंक है और यह 8वें स्थान पर है। तो वहीं आईपीएल 2024 में दिल्ली की टीम ने अब तक 6 मुकाबले खेले हैं, 2 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है तो वहीं 4 मुकाबले हारे हैं और इनके पॉइंट टेबल में टोटल 4 अंक है और यह 9वें स्थान पर है। तो वहीं आईपीएल 2024 में आरसीबी की टीम ने अब तक टोटल 6 मैच खेले हैं और 1 मैच जीते हैं तो वहीं 5 मुकाबले हारे हैं और इनके पॉइंट टेबल में टोटल 2 अंक है और यह सबसे निचले पायदान यानी 10वें स्थान पर है।